सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सदाम एडिटिंग में। सो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा हुआ या अभी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो देख लो, डबल रोल वाले वीडियो कुछ इस टाइप के। अगर आप भी वीडियो एडिट करना चाहते हो गाइस तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेंगे गाइस। सो गाइस इस वीडियो को आपको इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो वीडियो शूट करनी होगी, दो पार्ट में, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। मैं यहाँ पर वीडियो एडिट की शूट किया हूँ कुछ इस तरीके से। फर्स्ट में आपको कहीं भी आपको एक जगह मोबाइल आपको रख देनी होगी, जहाँ से आपको मोबाइल हिलना नहीं चाहिए। आपको दूसरी फर्स्ट वीडियो आपको इस तरीके से आपको शूट कर लेनी होगी, फिर दूसरी वीडियो आपको उसी जगह पर आपको मोबाइल रखना है जहाँ इस मोबाइल को हिलाना नहीं है। फिर से आपको दूसरी स्टेप में आपको वीडियो शूट कर लेनी होगी कुछ इस तरीके से, जैसे देख सकते हो। मैं यहाँ रूम से बाहर जाऊंगा, रूम फिर आपको अंदर आना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस इस तरह से आपको वीडियो शूट कर लेनी होगी, तो मैं यहाँ पर करके रखा हूँ। तो गाइस हम इस वीडियो को एडिट करने के लिए कैन मास्टर को यूज करने वाले हैं, जो कि आपके पास होगा, या अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले अपने मोबाइल का जो है कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी ओपन करके रखा, तो यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ नैनो स्क्रीन फ्रेम सेलेक्ट करके नीचे पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वीडियो है उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करनी होगी, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो, मैं यहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर जो भी स्टारा पार्ट होगा आपका कुछ इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ तक वीडियो को रखूँगा, इसी वीडियो पर क्लिक करूँगा, यहाँ कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, इसको ट्रिम लेफ्ट आपको कर देनी होगी। और करने के बाद गाइस यहाँ पर लास्ट में जितना आपको वीडियो रखना है कुछ इस तरीके देख सकते हो, यहाँ तक आपको रखना है। फिर से आपको ट्रिम राइट आपको कर देनी होगी, यानी कि इधर का पार्ट जो है कट जाएंगे गाइस। काटने के बाद यहाँ स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। अभी जो दूसरी वीडियो जो है उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करनी होगी, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो, मैं यहाँ पर दूसरी वीडियो ऐड कर लिया हूँ। और ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो, रूम से बाहर जा रहा हूँ मैं, जब आऊँगा यहाँ रूम से, रूम के अंदर आऊँगा, यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ तक आपको रखना है। फिर से कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ से ट्रिम लेफ्ट आपको कर देनी होगी, यानी कि इधर का पार्ट जो है काट देनी होगी। तो गाइस इसको स्टार्टिंग में आपको लेके आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस यहाँ से बैक आ जाना, बैक आने के बाद गाइस थोड़ी सी स्क्रॉल करना, यहाँ पर देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको ये वाले जो है सेलेक्ट आपको कर लेनी होगी। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से बैक आ जाना गाइस। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर आप बैठे हो यहाँ पर देख, थोड़ी सी पैर आपको कट रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपको इधर का आपको कर देनी होगी गाइस। यहाँ पर जहाँ तक आपका गेट है उस हिसाब से आपको कर देनी होगी। करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ी सी और आपको करना है कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ तक आपको कर देना है। करने के बाद गाइस यहाँ से वापस आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके देखने को मिलेंगे। सो गाइस तो देख सकते हो, वीडियो ज़्यादा हो गई है, तो इसको आपको थोड़ी सी और पीछे कर लेना होगा कुछ इस तरीके से, जहाँ से आप उसको घूम कर देखते हो, जैसे कि आता है तो घूम के देखते हो, तो यहाँ तक आपको रखना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, फिर से ज़्यादा हो गया, तो मैं यहाँ पर यहाँ तक आपको रख दूँगा। और यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये गेट खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके देखने को मिलेंगे गाइस। सो गाइस देख सकते हो, कुछ इस तरीके वीडियो देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत छोटा सा वीडियो था। तो गाइस इस वीडियो को यहाँ पर सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ सेव टू सेव वीडियो पे क्लिक करूँगा, ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब कैसी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताइए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे आपको हर न्यू वीडियो की एक नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेंगी गाइस। सो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।